गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं अभी हूँ फिलहाल ऐसे लोकेशन पे जहाँ पे मैं मतलब सोच भी नहीं सकता यहाँ पे मैं एक रात गुजार सकता। ये हम लोग का टेंट था पीछे और ये रहा लोकेशन। ये कशेली बीच है, पानी क्रिस्टल क्लियर है, एकदम पूरा ब्लू है। तुम तीनों कुछ बोलना चाहोगे इस जगह के बारे में? क्या नहीं दिखा, बस बेस्ट दिन था कल का रात। लास्ट लॉग में आपने देखा होगा हम लोग नीचे गए थे, अभी पूरा हाई टाइड चल रहा है, पूरा ऊपर तक पानी आ रहा है, नीचे जाना सेफ नहीं है। और अभी फिलहाल बज रहा है 6:15, बहुत अच्छा लग रहा है। पानी को जो आवाज़ आपको आ रहा होगा, मैं 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करता हूँ, कुछ बोलूंगा नहीं, आप लोग आवाज़ सुनना बस। सुना आवाज़ आपने, बहुत बढ़िया। इसलिए हम लोग रात भर कंटिन्यू सुन रहे थे। मेरे हिसाब से मैंने बेस्ट डिसीजन लिया अम्बोलगढ़ नहीं रुकने का। जो दूसरी ग्रुप है वो अपना प्राइवेट टेंट लेकर है, लेकिन जो ये है ये हम लोग ने रेंट पे लिया है, 700 रुपये पर नाइट का है। अगर किसी को एक्सपीरियंस करना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर देता हूँ, उनसे आप कॉन्टेक्ट करना, ये अलग एक्सपीरियंस है। और उनको सब्सक्राइबर भी मार दिया मैंने, अगर तुम अनजान लोगों को सब्सक्राइबर नहीं बनाया तो तुम अच्छे यूट्यूबर नहीं हो। तो तुम भी सब्सक्राइब करो, लोकेशन के नाम पर एक सब्सक्राइब कर दो यार। यहाँ पे एक अच्छी और बुरी बात ये है कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं चलता, और दूसरा ये है कि यहाँ पे आते टाइम कम खा के आना, क्योंकि अगर खाओगे ज्यादा तो भागना पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा ऊपर लंबा है। नीचे उतरने का डिसीजन लिया हूँ मैं, बैग वगैरह लेके उतर रहा हूँ, टेंट निकल गया। और पानी का जो लहरें है बहुत फास्ट लहरें आ रही है ऊपर। पहला मेरा प्लान था केव के अंदर जाने का, लेकिन अभी देखता हूँ पॉसिबल हुआ तो जाऊंगा, नहीं तो रिस्क नहीं लूंगा फालतू का, क्योंकि मेरे को आगे भी निकलना है। सो आराम पानी बहुत फट फट ऐसा आवाज आ रहा है, अच्छा लग रहा है लेकिन फट भी रही है थोड़ी थोड़ी। हम लोग ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, केव जाना था वो केव कैंसिल कर रहा हूँ मैं। हम लोग सिर्फ इसी जगह के लिए आए थे, एक्चुअली मेरा ड्रीम था, मैं बहुत दिन से आना चाहता था यहाँ पे, लेकिन मेरे इतने प्लान कैंसिल हुए ना मैं क्या बताऊँ। करीब करीब 25 दिन हो गया मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे आने का, कभी मेरा दोस्त मना कर देता है, कभी मुझे काम आ जाता है, कभी घर वाले मना कर देते हैं, यही मैटर चालू था आज 25 दिन से। लेकिन अमित ने, मेरा भाई ने मेरा साथ दिया, मेरे कंधे पे हाथ रखा और हम आ गए यहाँ पे। मैं एक्चुअली यहाँ पे लूसी के साथ आने वाला था, लेकिन मैं एक्चुअली यहाँ पे लूसी के साथ आने वाला था, अच्छा हुआ नहीं लाया, क्योंकि अगर लाता तो दिक्कत हो जाता। ये डॉग फ्रेंडली नहीं है, डॉग क्या मैन फ्रेंडली भी नहीं है। जाने अनजाने में मेरे से बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन हो रहे, पता नहीं क्यों। यार मुझे अभी निकलना था लेकिन चप्पल नहीं मिल रहा है, मेरा चप्पल कहाँ गया। मिल गया मिल गया मिल गया चप्पल, कुछ ज्यादा ही एडवेंचर हो रहा है मेरा ये ट्रिप। तिथे मंदिर या रोडला तुम्हाला यायचंय, इथे राईट मारलं तुम्ही आडवऱ्याकडे जाल, जो रत्नागिरीला जातो आणि तुम्हाला पंचर वाला इथे भेटेल। तो अभी जस्ट हमारा नाश्ता हो गया, घावने खाया हमने, यहाँ का लोकल डिश है, बहुत सही था टेस्ट में, यहीं पे खाया था हमने, यहीं से लिया। यहाँ पे आओ तो यहाँ पे खाओ, बहुत अच्छा सर्विस मिलेगा और सब उन लोग मैनेज कर देंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगा तुम लोग को। तो मैं यहाँ का लोकेशन बताना आप लोगों को भूल गया, ये बीच का नाम है देवगली बीच। यहाँ पे आने के लिए या तो राजापुर से आ सकते हो या तो रत्नागिरी से आ सकते हो। राजापुर से भी 40-45 किलोमीटर्स के आसपास है और रत्नागिरी से 36-40 किलोमीटर्स के आसपास है। मैप में सर्च करोगे देवगली कशेली डालना तो आ जाएगा आपको। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, मैं इन लोगों के साथ जा रहा हूँ जिसके साथ हमने कल रात गुजारा था। इन लोग आगे तक, हम लोग अगले पॉइंट तक जाएंगे। तो मुझे हवा भराना था लेकिन मिल नहीं रहा था, जो लास्ट आपने वीडियो देखा वहाँ से करीब करीब 7-8 किलोमीटर दूर हूँ। यहाँ पे हवा भराने वाला नहीं है, पेट्रोल पम्प नहीं है, अगर तुम लोग आ रहे हो तो ध्यान रखना उतना वो चीज़ का, पहले से सब ऑलरेडी प्रिपेयर हो गया ना। गर्मी बढ़ रहा है, टेम्परेचर अराउंड फिलहाल अभी 32 के आसपास है, नहाया नहीं है थोड़ा चिपचिपा चिपचिपा। तो मैं पहुंच गया हूँ गणेश गोड़ी बीच,
और बीच बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। मैं अभी जा रहा हूँ डुबकी लगाने, पानी क्लीन जाता है। मजा आया, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, आई होप आपको भी मजा आ रहा हो। आप टेंशन मत लो, आपके मोबाइल में पूरा आवाज आ रहा है, लेकिन मैंने गणेश गुरु में बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट शूट किए थे, पूरा वीडियो ऐसा ही है जैसा आपने लास्ट देखा, कुछ भी आवाज नहीं है उसमें, कुछ भी आवाज नहीं है। और ये मेरे को अभी पता चला जब मैं एडिटिंग कर रहा था, बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने इतने अच्छे अच्छे कंटेंट शूट किए थे, बहुत बढ़िया ब्लॉग बनने वाला था, लेकिन कोई नहीं, आप लोग एंजॉय करो आगे का। बहुत सही है, बहुत क्लीन है, हम पांचों के अलावा और कोई नहीं है, मतलब हम पांचों के अलावा बस एक फैमिली है, वो एक छोटी सी फैमिली है बस, और कोई भी नहीं है। बस थोड़ा धूप ज्यादा है, 10:30 बज रहा है फिलहाल, एक घंटा अगर पहले आ जाता ना नहाने में और मजा आता, अभी थोड़ा धूप है तो थोड़ा चटका लग रहा है। और एक प्रॉब्लम ऐसा है कि ये खारा पानी है, तो ये खारा पानी नहा चुके हम लोग, लेकिन साफ पानी से नहाने के लिए पानी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे कंटिन्यू जाएंगे तो पूरा बदन में खुजली होगा, पूरा बॉडी में खुजली होगा। यहाँ से पावस 5 किलोमीटर के आसपास है, 5 से 7 किलोमीटर है, हम लोग इसके बाद वहीं जाएंगे। अमित कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अमित कैसा लग रहा है तेरे को यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया है यार, कैंपिंग के बाद पानी में नहाना मिल जाए तो और क्या चाहिए। और थोड़ा ये है कि मैं थोड़ा मोटा हो गया हूँ, पतला होने का दिक्कत बस यही है कि अगर जिम लगा लिया पतला हो गया बंदी लग जाएगी, फिर बंदी लग जाएगी तो हम लोग कमिटेड हो जाएंगे, फिर कमिटेड हो जाएंगे तो इन जैसे सिंगल का दिक्कत होगा, तो इस वजह से इन लोग का साथ देने के लिए, मेरे दोस्तों का साथ देने के लिए मैं मोटा, मतलब मोटा ही हूँ मैं, पतला नहीं हो रहा हूँ। वो भी बोल रहे हो कि मोटा हो गया, उनके लिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा मजबूरी है, मेरे को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, सबको साथ लेके चलना पड़ता है, नहीं तो फिर हम लोग का दिक्कत हो जाएगा, फिर वो जलन होगा, दोस्ती में दरार आएगा, इस वजह से हम लोग वैसा काम नहीं करते। ओहो कुठे धरला आहे पाणी, हाताने धरला चावते ते चावणारच गजब भाई गजब। इनकी जर्नी हमारे साथ यहीं तक थी, अभी इन लोग जा रहे हैं आगे अपना बॉम्बे साइड, रत्नागिरी से पावस में छोड़ रहा है इनको। तुमसे नाव विसर लो, मैं साहिल सव्यसाची निखिल गढ़ की। थैंक यू, चलो बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय। तो वो तीन बंदों को छोड़ने के बाद मैं खाना खाने के लिए यहाँ पे आया था, आराध्य होटल में खाना खा के हो गया मेरा, अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे अंबागढ़ के लिए, और ये पीछे गया है रत्नागिरी के लिए। खाना का टेस्ट बताओ तो खाने का टेस्ट एवरेज के आसपास था, मतलब एवरेज से थोड़ा अच्छा था। बाकी अभी हम लोग डायरेक्ट घर के लिए निकलेंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नॉन स्टॉप जाऊँ, अगर कुछ मिला दिखाने के लिए तो दिखाऊंगा, पॉसिबिलिटी है डायरेक्ट जाऊँ, मैं मिलता हूँ आपको जल्दी जब कभी भी रुकूँ मैं। तो फाइनली पहुँच गया मैं, मेरे स्कूल में हूँ, डायरेक्ट कहीं पर रुका नहीं, कहीं नहीं, चौक मत हुई है। ये मैं कपड़ा जो चेंज किया हूँ, ये कैसे चेंज किया हूँ ये मैं आपको दिखाता हूँ, आप चेक करो। मेरा नसीब इतना ख़राब है, मैं एक्चुअली बहुत गड़बड़ में था, मैं नॉन स्टॉप 10 मिनट बचाने के लिए, 15 मिनट बचाने के लिए मैं कंटिन्यू रुका भी नहीं, चाय का ब्रेक नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। और यहाँ पे आने के बाद जस्ट मैं पहले ही गाड़ी रखा हो तब तक गेट बंद हो गया रेलवे का। कोई नहीं, जैसे जब तक रुका है तब तक मैं चेंज कर लेता हूँ कपड़ा। कहाँ कहाँ कैसे कैसे चेंज करना पड़ रहा है भाई, मैं पहली बार गाड़ी के अंदर, कैसे आजू बाजू वाले देख रहे, लेकिन कोई नहीं, अपने पास लाज शर्म सब अपन ने बेच दिया है बहुत पहले ही, इसके लिए मुझे टेंशन नहीं है। ट्रेन भी आ रहा है, देखिए अपना काम हो गया है। देखा क्या क्या जुगाड़ करना पड़ता है, टाइम बचत कहते हैं इसको, टाइम बचत। तो आपने जो लास्ट पार्ट देखा उसके बाद मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया, अभी फिलहाल 7 बज रहा है और मैं 5 ही बजे मेरे स्कूल पहुंच गया था, मेरे दोस्तों लोग से मिलना था, बहुत टाइम हो गया था मेरे दोस्तों से मिलके, आज एक्चुअली स्कूल में गेट टुगेदर था, तो इस वजह से पूरा 2 दिन से प्रोग्राम था गेट टुगेदर का। लेकिन दिक्कत क्या हो गया था, मेरे को कशीली बहुत पहले से जाना था, और ये अमित को सिर्फ सैटरडे संडे छुट्टी था, ये सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आया था, तो इसको घुमाना भी था, और 2 दिन का प्रोग्राम था हमारे स्कूल का, लेकिन मैंने 10 ही मिनट अटेंड किया, 10-15 मिनट अटेंड किया, लेकिन पुराने दोस्तों से मिलके बहुत मन हल्का हो गया, बहुत अच्छा लगा, जो हमारी 10th की बैच थी उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और ये हमारा प्लान
वेडनेसडे थर्सडे का बन रहा था, पर उसने मेरे चक्कर में उसने सैटरडे संडे का स्कूल का प्लान कैंसिल करके कसेली का प्लान किया। नहीं तो मेरे स्कूल के बहुत सारे पुराने यादें हैं, मैं व्लॉग में लेना चाहता था लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। कोई नहीं, कभी और ले लेंगे। तो अमित इस व्लॉग में थोड़ा शांत था, एक्चुअली इस व्लॉग में नहीं लास्ट व्लॉग में भी शांत था। इसका रीजन ये है कि ये थोड़ा शाय टाइप का बंदा है, कंफर्टेबल होने में टाइम लगेगा। ये आने वाले व्लॉग्स में आएगा कंटिन्यू, क्योंकि मेरे बहुत सारे प्लान्स चल रहे हैं, तो देखते हैं अभी कैसा क्या जाता है। बाकी मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूं। अगर आपको पसंद आया आज का वीडियो तो आपको मालूम है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और प्लीज सब्सक्राइब। Yeah, yeah, yeah.